हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो अब सुबह के बज रहे हैं 9 और अब मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बनाऊंगी क्योंकि आज हमारे प्यारे गुरु जी का बर्थडे है। तो इसीलिए आज हम अपनी मम्मी के घर जा रहे हैं, वहाँ पे एक सत्संग है जहाँ हम अपने गुरु जी का बर्थडे मनाएंगे और वहाँ से आकर मैं शाम को फिर अपने घर पे सेलिब्रेट करूंगी उनका बर्थडे। यश एकांश सुबह ही चले गए थे क्योंकि यश को जिम भी जाना था, तो और मैं और यशिका अभी रेडी होके जाएंगे, तो मिलते हैं। तो हमारा नाश्ता तैयार हो गया, आलू के पराठे और आम का अचार। तो अब हम खाकर जल्दी जल्दी मम्मी के घर निकलेंगे। तो गाइस, अब हम तैयार होके जा रहे हैं मम्मी के घर सत्संग में। तो अब हम एकांश हमको आया लेने के लिए, तो मिलते हैं फिर सत्संग में। तो गाइस, ये मेरे घर की डेकोरेशन है, मेरी मम्मी ने डेकोरेशन करी है। तो गाइस, अब ये बुआ फूलों से गुरुजी का डेकोरेट कर रही हैं। तो गाइस, अब बुआ फूलों से सजा रही हैं, बुआ को सेवा मिली है और बुआ को शौक भी है इस चीज़ का। तो गाइस, अब ये पूरा दरबार सज चुका है, बुआ मम्मी चाची सब ने मिलके बहुत अच्छे से सजाया गुरुजी का दरबार और सत्संग बस थोड़ी देर में अब स्टार्ट होने वाला है। खुशी है वो मैनू, खुशी है वो मैनू, खुशी है वो मैनू सजना बदे तो आना कोई हो गुरुजी के बर्थडे का केक है जो यशिका यश और मैं लाए थे। बहुत क्राउड था इसलिए अच्छे से वीडियो बन नहीं पाई। तो गाइस, मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ। जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था कि मम्मी के घर आज हमने अपने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, वहाँ पे सत्संग था, बहुत आनंद आया, बहुत ही वहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया। और अब वापस अपने घर आके फिर वही शाम की चाय का टाइम, क्योंकि टाइम है 6:30 बजे। और ये देखिए, ये एकांश चाय में मेरे को कंपनी एकांश ही देता है हमेशा। और अब मैं आज वो स्कूल नहीं गया है सत्संग की वजह से, और आज उसके ट्यूशन की भी छुट्टी है, यशुआ ट्यूशन नहीं गई है। तो अब मैं अपने घर में भी गुरुजी के बर्थडे का सेलिब्रेशन करूंगी छोटा सा। फिर उसके बाद अभी सोचा नहीं है डिनर में क्या बनाना है, कुछ अच्छा सा यश ने बोला है, कुछ अच्छा सा बना लो। तो उसमें क्या बनाएंगे हम कुछ? एकांश यशिका क्या बनाए आज डिनर में हम? वो कह रही है कुछ भी बना लो। बट कुछ भी कोई खाता नहीं है ना, कि है देते हैं सब कि कुछ भी बना लो। गाइज, आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा ना, आप अपने बच्चों से पूछते होंगे आज क्या बनाऊं खाने में, वो कह देते हैं कुछ भी बना लो। बट जब कुछ भी बनाओ मीन्स कुछ भी बनाओ तो वो कहते हैं नहीं, ये नहीं खाना, हमें वो खाना है। ऐसा होता है ना, ऐसा रियल में होता है, मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक मॉम हूँ, तो सब मॉम की प्रॉब्लम मैं जानती हूँ, है ना। तो इसीलिए अब सोचूंगी क्या बनाना है। पहले तो चाय पी के मैं करूंगी गुरुजी के बर्थडे की तैयारी, और फिर हम पूजा वूजा करके फिर मैं डिनर बनाने में लगूंगी। तब तक सोचूंगी क्या बनाना है, ठीक है। और आप भी हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपने अपने घर में गुरुजी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, अगर आप गुरुजी को मानते हैं तो आज जब मैं मम्मी के यहाँ पे
गई तो मैंने वहां का भी शूट किया हुआ है, तो वो आप देखना कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया गुरुजी का बर्थडे। तो अभी पहले मैं चाय पी लूँ जल्दी से, उसके बाद फिर तैयारी करते हैं। ओके सो हेलो गाइस, अब रात के बज रहे हैं 8:42 और अब बुआ घर में मतलब गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सो ये देखिए बुआ ने सजाया मंदिर, ये बुआ का मंदिर है। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, मैंने आज आपके लिए खोए का केक बनाया है क्योंकि दूसरा केक मुझे मिला ही नहीं, काफी ढूंढा हमने इसको, तो अब मैं इसका भोग लगा दूंगी आपको। हेलो गाइस, सो अब बुआ ने अभी जस्ट गुरुजी का केक काटा, बुआ ने घर पे बनाया था, मैंने भी टेस्ट करा, बहुत अच्छा बनाया केक। तो अब बुआ खाने में तैयारी में लगेंगे बिकॉज सुबह से सभी बिजी हैं, मैं भी बहुत बिजी था, गर्मी हुई से था तो बहुत बिजी था मैं भी। ये और ये भौके जा रहा है, उसको भी अब भूख लग रही है तो भी भौके जा रहा है बुआ पर, वो कुछ मांग रहा है। तो अब बुआ डिनर की तैयारी कर रही हैं, बुआ डिनर में शाही पनीर बना रही हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।